या देखने के लिए कि मेरे राज्य में कोई अनाथ तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज मोदी भी बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि देश में कोई दुखी नहीं रहे। कहते हैं अब हृदय की क्या बात है वो तो भगवान जानते होंगे। महाराज तो एक दिन देखा एक दुबली गाय और एक पांव पर चलता हुआ बैल, एक नीच जो राजा का पोशाक पहने हुए उत्तारण कर रहा है। तो राजा परीक्षित ने तलवार खींच ली, मेघ गंभीर वाणी में कहा, अरे नीच तू कौन है जो मेरे राज्य में इन अनाथ प्राणियों को सता रहा है, मैं भी तुम्हारा वध किए देता हूं। वो नीचे काल को जीतने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन भगवान के चरण कमलों के परमाश्रित परम भागवत होने के कारण परीक्षित में वो पराक्रम था। जो कलयुग ने देखा कि हम परीक्षित जी को नहीं जीत सकते, तो परीक्षित जी की शरण में आ गए कि हम आपकी शरण में हैं, शरणागतों का वध नहीं किया जा सकता। परीक्षित जी ने पूछा तू कौन है? कलयुग महाराज ने कलयुग कलयुग हो तो मेरे राज्य सीमा से बाहर निकल जाओ। महाराज संपूर्ण भूमंडल पर आपका ही राज्य है, कहां जाऊं? आप ही अपने राज्य में कुछ स्थान दे दीजिए जहां हम अपना निर्वाह कर सके। महाराज तो कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने चार स्थान दिया, द्युतम जुआ खेलना, ताश भी जुए के अंतर्गत है। बंधुओं आप लोग ताश से भी बचिएगा, समय का सदुपयोग कीजिए, समय थोड़ा है और यहां से जाना है, सब माला झोरी रखिए, भजन करिए। महाराज परस्पर में भी मिलन जुलन हो तो भगवान की चर्चा वर्चा ही कीजिए। तो दूतम पानह मदिरा शराब भांग मादक द्रव्यों को पीना, स्त्री स्त्री संग और हिंसा, इन चार में पाप का प्रत्यक्ष। लेकिन कलयुग ने कहा कि महाराज इससे मेरा निर्वाह नहीं होगा, कोई महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए रजो बैरम च पंचमम पांचवा स्थान दिया, सोना। महाराज जिस सोने में लोगों की इतनी महत्व बुद्धि है, और इधर दुबली गाय और एक पांव वाला जो बैल था इन लोगों को सांत्वना देने लगे, आपके तीन पांव किसने तोड़ दिए? देखिए यानी पृथ्वी का जो रूप हम आप लोग देख रहे हैं वह पृथ्वी का आदि भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी का जो आदि दैवत स्वरूप है वो गाय, और धर्म का जो आदि दैवत स्वरूप है वो बैल का। भगवान शिव जो बैल पर बैठते हैं वह वृषभ, वह नंदी क्या है, वह मूर्तिमान धर्म है, धर्म ही भगवान महादेव जी का आसन है। तो महाराज धर्म ने कहा कि सुख दुख का कारण कोई संसार में काल को, कोई काल मन समय, कोई प्रारब्ध को, महाराज कोई कर्म को बतलाते हैं। आप स्वयं विद्वान हैं, आप अनुमान कर सकते हैं कौन सुख दिख देने वाला है। महाराज सूचकस्य अपितु भवेत्,
यदि किसी ने चोरी की है और कोई दूसरा उसका प्रसारण कर रहा है तो उसे भी वही पाप लगता है जो चोरी करने वाले को लगता है। सूच कलयुग होने पर भी राजा परीक्षित ने उस धर्म रूपी बैल को चारों चरणों से युद्ध कर दिया। प्रजा हिंसा नहीं करती थी तो राजा परीक्षित प्रजा की पुकार पर जंगली पशुओं की वृद्धि, आज तो आप लोगों के इलाके में है कि नहीं है, यानी गांव गांव में जंगली पशुओं की वृद्धि हो गई है। किसान बड़े संतुष्ट हैं, दुखी हैं। महाराज जी तो शिकार में गए, उस सोने का मुकुट था, कलजी को मौका मिल गया और जब शिकार से लौट रहे थे, भूख प्यास की ज्वाला इन्हें सता रही थी, समीक ऋषि का आश्रम था, रास्ते में गए और ऋषि से जल मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में तल्लीन थे। राजा के मन में हुआ कि मुझे राजा को देखकर इन्होंने झूठ मूठ स्वांग कर लिया है, ध्यान का एक मरे हुए सांप को उठाकर इन्होंने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। थोड़ी दूर पर समीक ऋषि का 5 वर्ष का पुत्र श्रृंगी खेल रहा था, उसे मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है। उस बालक ने आचमन किया और जल दिया, कहा कि इतिलंघित मर्यादम, राजा परीक्षित ने जो मर्यादा का उल्लंघन किया है, ये क्षत्रिय ब्राह्मणों के सेवक हैं, इन्हें मेरे पिता का अपमान किया है, तो सप्तमी तक्षकेहनी, तो सातवें दिन तक्षक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाए। बालक ऋषि के पास आकर रोने लगा, ऋषि का ध्यान टूटा। ऋषि को जब सब स्थिति का पता चला तो ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत डांटा कि उन महाभागवत राजा परीक्षित ऊपर से राजा थे, लेकिन वो स्वरूप निष्ठ महाभागवत साधु शिरोमणि थे, उनको साप देकर तुमने बहुत बड़ा भक्ता अपराध कर लिया। फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना की और अपने एक चतुर शिष्य को राजा को सूचना देने के लिए भेजा। इधर परीक्षित जी भी जब लौटे और सोने का मुकुट उतारा तो इनकी चेतना लौटी, पछताने लगे कि हाय आज मैंने क्या किया, आज उन्हें ऋषि की गोपाग्नि में मेरा सारा, मेरा शरीर, मेरा राज्य कोष सब कुछ जलकर नष्ट हो जाए, जो फिर कोई इन ऋषि महर्षि साधु ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने का दुस्साहस न करे। तब तक समी के ऋषि के शिष्य ने आकर सूचना दी, इन्होंने झट अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर दिया, राजसी वस्त्राभूषणों को उतार लिया, आमरण अनशन व्रत लेकर भगवती भागीरथी गंगा, ये सुखताल है मुजफ्फरनगर के समीप, अपनी कथा हो चुकी है वहां के 2010 में, यानी मिथिलांचल के 500 भक्त थे मेरे साथ, गए थे वहां कथा, 7,500 का वट वृक्ष है, वही उसी के नीचे कथा हुई थी महाराज गंगा तट पर। वहीं जाकर परीक्षित जी बैठ गए, सारी भूमंडल के ऋषि महर्षि लोग आए, सुखदेव गोस्वामी आए, सबकी उन्होंने पूजा की, प्रश्न पूछा महाराज, और इनके प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देने लगे, कल आप लोग उनकी सेवा में समर्पित करूंगा। बोलिए।